डियर स्टूडेंट, आज हमारा सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टडी करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा स्टडी कर लिया है। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन होता है होलोजोइक। ह्यूमन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें इसके कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू इसका पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट से एंड होता है। तो वो कौन कौन से कॉमन प्रोसेस हैं होलोजोइक के? कुछ फीचर होते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं। तो कौन कौन से फीचर हैं? सबसे पहले फूड को क्या किया जाता है? इनटेक किया जाता है। इनटेक का मतलब है कि फूड को माउथ में लेना, इनटेक या इंजेशन। ओके, इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में जल्दी से लिख लो, नोटबुक में। फर्स्ट स्टेप हो गया इनटेक। भोजन को, फूड को जब हम मुंह में लेते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेशन या इनटेक कहते हैं, भोजन को लेना, फूड को लेना। इसके बाद हम भोजन लेने के बाद क्या करते हैं? भोजन को लेने के बाद उसका होता है क्या? डाइजेशन। सेकेंड स्टेप है, जब भोजन को लेते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, तो वो स्मॉल पीस में जब टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद फूड का होता है डाइजेशन। ओके, इसके बाद डाइजेशन होता है। ये हो गया सेकेंड स्टेप, फूड का छोटे छोटे पार्ट में डाइजेशन होना, मतलब टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये है थर्ड स्टेप। फूड को डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को जो ब्लड कैपलरीज होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। ब्लड कैपलरीज हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, वो उनको एब्जॉर्ब करती हैं, उसके न्यूट्रिशन को लेती हैं। ये हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। फोर्थ स्टेप इसका है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन में फूड को जो उसका न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में, ब्लड कैपलरीज क्या करती हैं, सेल्स जो होती हैं वो ब्लड में उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है हमारे अंदर पूरा न्यूट्रिशन जो होता है वो हर जगह, हर पार्ट में, हर ऑर्गन में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, वो अपना चला जाता है हर कंपार्टमेंट में। तो ये तो होता है असिमिलेशन प्रोसेस में। अब लास्ट वन स्टेप जो है वो है इजेशन या एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है फूड को बाहर निकालने की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये कोई ऑर्गेनिज्म है या सेल है, आप ऐसे मानो कि ये कोई सेल है, तो इसने फूड को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया। इसके बाद जो वेस्ट बचा उस वेस्ट को रिमूव करना, वेस्ट को आउटसाइड रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, एक्सक्रीशन या इजेशन। ठीक है, तो ये 5 कॉमन स्टेप हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, जो कि ह्यूमंस, मैमल्स सब में होते हैं। अब देख लेते हैं हम ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह होता है। फूड को तो एब्जॉर्ब, मतलब फूड को तो मुंह में ले लिया गया, इनटेक कर लिया गया, अब फूड का डाइजेशन कैसे होता है हमें वो देखना है। तो फूड का डाइजेशन देखने के लिए ह्यूमन में कुछ, हमारे माउथ में ही कुछ कैविटी होती हैं, कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले फूड का डाइजेशन, जिस फूड का डाइजेशन होता है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इन दोनों का डाइजेशन स्टार्ट हमारे माउथ से होता है। माउथ में एक ग्लैंड होता है, उसको कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ग्लैंड का नाम है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या निकालता है? सलाइवा निकालता है। सलाइवा, जिसको हम लार कहते हैं,
कॉमन लैंग्वेज में लार कहते हैं। तो डाइजेशन के लिए कुछ ऑर्गन्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? हमारे माउथ से लेकर के लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन तक यानी एनस तक ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उन ऑर्गन के बारे में हम यहाँ पे फिगर से देख लेते हैं। फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये है बकल कैविटी, यानी कि मुंह में कैविटी का मतलब होता है जो स्पेस होता है, मुंह में जो स्पेस होती है, जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको कैविटी कहते हैं, और मुंह है तो मुंह में बकल, बकल मुंह से रिलेटेड वर्ड को बकल कहते हैं, तो मुंह में जो स्पेस होता है उसे बकल कैविटी कहते हैं। फिर इसके बाद एक सेलिवरी ग्लैंड आता है, फिर ये जो फूड की पाइप होती है इसको एसोफेगस कहते हैं, ओके। फिर इसके बाद नीचे कॉर्नर में आप देखो ये वाला जो पार्ट है ये स्टोमक कहलाता है, यू शेप का ये कुछ होता है, और जस्ट स्टोमक के बगल यहाँ पे होता है पैनक्रियाज, सॉरी स्टोमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है, और ये जो है लीवर है, क्या है? लीवर है। यहाँ पे ब्लड क्या होता है? ब्लड का यहीं पे स्टोरेज होता है, यहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कुछ आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर इसको कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्टोमक से होते हुए पैनक्रियाज से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फूड कहाँ मूव करता है? ये फिगर देखो, फूड का मूवमेंट यहाँ से होते 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 एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेट होता है, फिर यहाँ से जो वाटर बचता है सबसे लास्ट में एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है जो हम वाटर पीते हैं, फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब करते करते जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, देन यहाँ से होते हुए ये एक्सक्रीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है आउटसाइड। तो ये तो कॉमन प्रोसेस हो गया ह्यूमन डाइजेशन का, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इतना पढ़ लो।